धन्यवाद सुषमा जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही मार्मिक बातें कही और बहुत दिन के बाद एक इंटेलिजेंट किताब पढ़ने को मुझे मिली तो मुझे सच में दिली खुशी हुई। कवर टू कवर मैंने ये पढ़ी, बहुत सुगठित, बहुत इंटेलिजेंट किताब है और झूठ नहीं बोलती है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जो तर्कसंगत चीज़ें हैं, उनको उसी तरह से रखती है। उन पर किसी तरह का चांदी का या सोने का बर्क लगाने की कोशिश आपने नहीं की, ये एक बड़ी बात है। ये कहना गलत होगा कि भुवनेश्वर फेमिनिस्ट थे। मैंने जितना उनको पढ़ा है, उतना तो नहीं पढ़ा जितना सुषमा जी ने पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है, एक प्रकार से स्त्री के प्रति विरक्ति भाव, या कहिए कि एक टिपिकल डर का भाव छोटे शहर के लड़कों में जो मैंने देखा है, वो उनकी लेखनी में है। एक तो माँ नहीं थी, तो स्त्री से पहला परिचय एक लड़के का कैसे होता है? एक माँ के मार्फत होता है, और जैसा उसका अपना माँ से रिश्ता होता है, काफ़ी हद तक वो रिश्ता उसके बाद में जो औरतों के साथ रिश्ते बनते हैं उन पर असर डालता है। तो इसलिए रीडिंग टू मच फेमिनिज्म इन भुवनेश्वर वुड बी डूइंग हिम अ डिसर्विस, क्योंकि भुवनेश्वर ने लिखा है और कुछ चीज़ें तो उनकी एकदम चौंकाने वाली हैं। जैसे उनकी एक कहानी है मौसी, इट हिंट्स एट द फैक्ट कि उनकी मौसी ने उनको बहुत अच्छी तरह पाला, पिता के पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चे को पाला। ये वो आखिरी उसकी जो वो है वो कि मौसी मरी हुई पड़ी थी और उन्होंने छाती से इस बच्चे के पिता की फोटो चिपका रखी थी। सो ऑल हर लाइफ शी वॉज इन लव विद द मैन हुज चाइल्ड शी ब्रॉट अप एंड ट्रांसफर्ड हर लव फॉर द मैन टू द चाइल्ड। और वो जिस तरह से लिखी गई है, अब मुझे शब्दशः तो याद नहीं है, लेकिन अपने आप में वो एक उस जमाने में 1930 के दशक में एक तरह से बहुत कहिए कि चौंकाने वाली चीज़ है। एक और उनका नज़ारा है कि एक माँ मर रही है और बेटा उसके ऊपर झुका हुआ है और दोनों के सीने छू रहे हैं। अचानक माँ के मन में एक लपट सी कौंधती है जिंदगी की, जो कुछ उसने चाहा था शरीर से, और कहीं वो अतकही सी बात छोड़ देते हैं, बट देयर इज अ सडन काइंड ऑफ अ स्पार्क बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन हु आर नो लॉन्गर मदर एंड सन एंड देन शी डाइज। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं जहन में चिपकी हुई रह जाती हैं। इसलिए ये कहना, ये एक्चुअली ये पब्लिशर्स का चलाया हुआ एक टोटका आजकल है कि आप किताबों को स्लॉट कर दीजिए तो जो सालाना ख़रीदारी होती है उसमें आसानी होती है कि इस साल हमको फेमिनिज्म की इतनी किताबें स्त्री विमर्श की इतनी किताबें ख़रीदनी हैं और फला साहित्य दलित साहित्य की इतनी किताबें ख़रीदनी हैं। खांचे बनाना ठीक बात नहीं है। हो सकता है कि इससे लाइब्रेरियंस को सुविधा होती हो, ज़रूर होती होगी। हो सकता है इससे पब्लिशर्स को भी सुविधा होती हो इन प्रिपेयरिंग देयर टू बी पब्लिश लिस्ट, लेकिन ये लेखकों के लिए बहुत कष्टकर चीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कुछ अपने में समेटती चलती है। ऐसा भी बहुत कुछ जो कि हम चाहते या नहीं चाहते हैं, वो भी उसमें मौजूद रहता है। मुझे लगता है भुवनेश्वर को पढ़ने के लिए एक बहुत खुली हुई दृष्टि चाहिए। तो जो एपिस्टीम की आपने बात की, मीनाक्षी ने बात की, जो कि आप जहाँ पर खड़े होकर उनको देख रहे हैं वो भी मैटर करता है। उम्र के जिस पड़ाव पर अब मैं भुवनेश्वर को पढ़ रही हूँ, और जो मैंने उनको 60s में पढ़ा था जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, उन दोनों दृष्टियों में अंतर है। और बहुत सारी चीज़ें अब लॉ देने लगी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त बहुत प्रभावित करती थी अब उतना प्रभावित नहीं करती। मसलन अपने बचपन के विलाप, हिंदी के ही नहीं, हिंदी के और भाषाओं के भी बहुत सारे ऐसे लेखक मिलेंगे। हम लेखकों में आत्मदया कुछ ज़्यादा ही होती है, हाय बेचारा मैं, हाय बेचारी मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। लेकिन जब आप लिखते होते हैं उस वक्त आप अपने जेंडर से या अपने बचपन या अपने उन इमीडिएट
पर्सनल अनुभवों से ऊपर तटस्थ होकर के लिखते हैं उनके बारे में, एक जर्राह की तरह से, जैसे कि कोई डॉक्टर हड्डियों का या पेशियों का ब्यौरा देता है। तो तुलसीदास कह गए, तजियो मात पिता कृमि कीट की नाई, कीड़े की तरह मेरे माँ बाप ने मुझको छोड़ दिया। कबीर ने कहा है, कहत कबीर सुनो हो लोही, लोही हम तुम बिनस रहेगो न कोई, वो भी अनाथ थे बीबी भी अनाथ थी, हम दोनों खत्म हो जाएंगे, ऊपर वाले बचा रहेगा। तो ये आत्मदया बहुतों में है, लेकिन द बेस्ट राइटिंग कम्स जब आप आत्मदया छोड़ देते हैं। जैसे तुलसीदास से कहा कि उनको उनकी अंतरात्मा नहीं कहा, हालांकि वो कहते हैं उनसे हनुमान जी ने कहा, लेकिन उनकी लेखकी अंतरात्मा ने कहा कि तुम विनय पत्रिका जब उन्होंने लिखी कि तुम इतनी विनय और इतनी विनयशीलता और इतनी आत्मदया छोड़ो, कुछ बड़ा लिखो, बड़े फलक पर लिखो, जीवन के बारे में लिखो, ऐसे लोगों के बारे में लिखो जिन्होंने बहुत सहा लेकिन टूटे नहीं। और उन्होंने लिखा, अज्ञेय में बहुत आत्मदया है, शुरुआती जो उनके लेख या पत्र वगैरह हैं, एक में उन्होंने अपनी माता पिता का जिक्र किया है कि उनमें झगड़ा होता था, तो एक बार ये छुपके सुन रहे थे तो उनकी माँ ने अज्ञेय के लिए कहा कि मुझे तो इसका भी भरोसा नहीं है, और उसके बाद से उनको अपनी माँ के प्रति एक तरह की अव्यक्त चिढ़ सी हो गई। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैंने मैं भुवनेश्वर पर ही नहीं लेकिन लेखन कर्म पर भी इस वक्त बात कर रही हूँ कि लेखकी कर्म जो है वो एक तरह से संत की तरह से होता है कि आप इस दुनिया के होते हुए भी इस दुनिया में नहीं हैं, तब आप वो सब करते हैं जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए अचानक कर पाना संभव नहीं होता। तो संक्षेप में कुछ पॉइंट्स मैंने रखे थे। पहली चीज तो उनकी ये जो अजनबियत है वो, अब हम लोग एलिनेशन और ये सब बहुत सुनते हैं, 60s के कैंपस में तो बहुत ही था जब बीटल्स आए थे हिंदुस्तान, पर एलियन जो शब्द है उसका एक अर्थ जो ओरिजिनल फ्रेंच में जो अर्थ है, स्पेनिश में भी मैंने सुना यही अर्थ, पागलपन, विक्षिप्तता। तो आदमी जब सबसे कटने लगता है, और साइकाइट्रिस्ट भी इसका समर्थन करते हैं कि एकदम किसी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का एकाकी और अंतर्मुखी हो जाना एक मनोविकार का लक्षण है, लेकिन जब लेखक लिखता है या लिखती है उस वक्त भी आपको एकाकीपन की बहुत ज़रूरत होती है, बल्कि एक प्री कंडीशन होती है कि आपके चारों तरफ चाहे नगाड़े भी बज रहे हों। लोग पूछते हैं शिवानी जी कैसे लिखती थी, कि कौन सा उनका कमरा था, क्या डेस्क था। मैंने कहा वो यहीं हमारे डाइनिंग टेबल पर बैठ के हम लोग की पुरानी स्कूल की कॉपियों के पन्ने लेके फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा करती थी, कोई जिस बच्चे की पेन मिल जाए उससे लिख लेती। तो और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि 6 बच्चे उनके गिर्द गिर्द शोर मचा रहे हैं। लेकिन अगर कोई लेखक बार बार ये रोने लगे कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं सर्वहारा हूँ, तो उसके लेखन में गिरावट आने लगती है। भुवनेश्वर सबसे सबल वहाँ पर हैं जहाँ वो अपने अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ मान कर लिख रहे हैं। जैसे भेड़िए उनकी बहुत बेहतरीन रचना है, उसमें उन्होंने जिस तटस्थता से वर्णन किया है छीन झपट, जीवन की छीन झपट, और जब गिरोह बांध करके किस तरह से लोग टकराते। दूसरी चीज़ मैं बताना चाह रही थी, आप लोगों को तो पता नहीं कितना अनुभव हो, चूँकि मैं लेखिका की बच्ची हूँ, लेखकों के ही बीच में बड़ी हुई हूँ और फिर पत्रकारों के बीच में बूढ़ी हुई हूँ, इसलिए जो हिंदी पत्रकारिता और लेखन में जो अंदरूनी लागडांट चलती है वो हमेशा से चलती रही है। अगर कोई भी संपादक किसी भी लेखक या लेखिका को बहुत छापता है तो अचानक फिर उसके खिलाफ एक लॉबी तैयार होने लगती है कि ये इनको बड़ा फेवर करते हैं। तो प्रेमचंद ने जब इस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना, और एक तरह से देखा जाए तो प्रेमचंद का विलोम है, प्रेमचंद की रचनाओं में सबसे सबल भाव है कर्तव्य का, कितने ही घूम फिर के हों उनकी जो मानक कसौटी है वो उनके युग की है, ये कर्तव्य, बाप का बेटे के प्रति कर्तव्य, बेटे का बाप के प्रति कर्तव्य। दो रचनाएं सिर्फ उनकी पूस की रात और कफन ऐसी हैं जिसमें आदमी कर्तव्य को तोड़ता है और कहता है कर्तव्य साला कुछ नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ, मेरा जीवन बचना पहली शर्त है। महाभारत में भी ये चीज़ है कि अंतिम कोने में जब आदमी बिल्कुल धकेल दिया जाता है तो
तो वो सिर्फ अपने लिए लड़ता है, किसी और के लिए या किसी कर्तव्य या कर्तव्य भाव से या किसी मोरालिटी के लिए नहीं लड़ता है। तो भुवनेश्वर की बेहतरीन रचनाओं में अगर आप लोग पढ़ें, और मैं तो बहुत इसरार करूँगी कि आप पढ़ें, ये चीज़ आपको दिखाई देती है। तो वो एक तरह से हमारे समाज के अंतर साक्ष्य हैं। जहाँ तक लेखकों के झगड़े की या लड़ाइयों की बात है, सुषमा जी मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, आपने इस किताब में लिखा है कि निराला जी उनसे इतना खिन्न हो गए थे कि उनके खिलाफ़ एक तरह की अव्यक्त लामबंदी हो गई, लेकिन आपने और उदाहरण दिया है कि जैसे अशोक वाजपेयी ने लिखा था बूढ़ी चील क्यों डैने फैलाए, और उसको लेकर के अज्ञे नाराज नहीं हुए थे। व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा था तो हम लोग पड़ोसी थे, उन्होंने देखा है कहा मृणाल ये मैंने लिखा है बहुत मुझको मार पड़वाएगा, तो मैंने कहा फिर मत भेजिए, तो बोले नहीं लिखा जाना ज़रूरी है। वो एलियट की पंक्तियाँ थी, वाई शुड द एज एड ईगल स्प्रेड इट्स विंग्स, तो उसका उन्होंने लिखा था बूढ़ी अज्ञे की कविताओं पर बूढ़ी चील क्यों डैने फैलाए, इस पर हुआ था। दूसरा झगड़ा मैंने देखा है उसकी एक जड़ में भी थी वो ये हुआ कि कृष्णा सूक्ति की एक नई किताब आई थी और निर्मल ने मुझसे कहा कि तुम मैं उन पर उनके उस पर कृतित्व पर केंद्रित एक अंक निकाल रहा हूँ, उसमें मुझे इस किताब की समीक्षा लिख दो। तो मैं पढ़ चुकी थी वो किताब, मैंने कहा कि मुझसे मत लिखवाइए, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन मुझे उनकी बहुत कमज़ोर कृति लगती है, और उम्र मेरी शायद 35-36 बरस से ज़्यादा की नहीं रही होगी, और इतनी छोटे मुँह और इतनी बड़ी बात, तो काम तो मैंने मार खाने का ही किया था। लेकिन फिर वो बोले नहीं तुम बिल्कुल निशंक होकर के लिख दो, तुम जैसा भेजोगी मैं वैसा छाप दूंगा, एडिट भी नहीं करूंगा। मैंने कहा नहीं आप एडिट कर दीजिएगा, इन गुड फेथ आई ट्रस्ट यू, एंड निर्मल वॉज ए जेम ऑफ अ मैन, तो उन पर मुझे पूरा भरोसा था, और निर्मल ने वो जस का तस छाप दिया। और कृष्णा जी, भाग्य से तब मैं भोपाल में थी, कृष्णा जी यहाँ थी, और हमारे बीच में जो मंथरा का काम करते थे वो विष्णु खरे थे, उन्होंने मुझे खबर लाके दी कि मीनू तुमसे बहुत नाराज हैं, कृष्णा जी कह रही हैं कि ये कौन है, और उनको पूरा विश्वास है कि इतनी सुगठित और इतनी वैसी शैली है कि ये डिक्टेशन देके तुमसे निर्मल ने डिक्टेशन देके लिखवाया है। तो मुझे ताव आया, मैंने कहा कि मैं निर्मल जी से क्यों डिक्टेशन लूँ, मैंने खुद लिखा है। तो बोले पक्का, मैंने कहा हाँ मैं आपको दिखा सकती हूँ उसका फर्स्ट ड्राफ्ट। तो फौरन मंथरा जी वापस गई और उन्होंने रिपोर्ट किया। तो कई वर्ष तक थोड़ा खट्टा मीठा सा संबंध रहा, हालांकि कृष्णा जी इतनी बड़े दिल की महिला थी कि उन्होंने कभी इसको परमानेंटली नहीं लिया। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इन चीज़ों को किसी के साहित्य के इवैल्यूएशन की आड़े नहीं आने देना चाहिए। हर एज में हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ है, इंग्लैंड में भी बहुत हुआ है, US में भी बहुत होता है, यूरोप में भी बहुत हुआ है। ये लेखकों के बीच की जो इन जोक्स या इन फाइट्स हैं, ये जो होती हैं, कभी उजागर होती हैं कभी नहीं होती, ये चलती रहती हैं। और अंत में ये जो महिलाओं के बारे में आपने कहा, तो कुछ चीज़ें जो मुझे इसमें स्ट्राइक की, तुम मुझे प्रेम भी करते हो और उस पुरुष से ईर्ष्यालु भी नहीं हो जिसको प्रेम करना किसी भी स्त्री के लिए इतना सरल और नैसर्गिक है जैसे वसंत के आगमन पर समीर में कलिका का खिलना। क्या तुम्हारे हृदय की भावनाएं और वासनाएं शरीर से अलग हैं? श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। इसमें अंतिम लाइन को छोड़ के शेष पहले की तीन लाइनें बिल्कुल बेकार की है, बिल्कुल बेवकूफ़ी की है, कि तुम प्रेम भी करते हो लेकिन उससे जलन नहीं करते हो, अरे यार नहीं करते हैं। लेकिन ये सवाल, क्या तुम्हारे हृदय की भावनाएं और वासनाएं, ये 30 के दशक में ये कहना कि शरीर और प्रेम दोनों, शारीरिक प्रेम और मानसिक आकर्षण दोनों एक हैं और उनको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, ये अपने आप में उनका बहुत बड़ा तथ्य है। लेकिन ये जो जो महिला कह रही है वो मुझे बहुत विश्वसनीय नहीं लगती, उस समय में इस तरह की महिलाएं होती नहीं थी, और जिन पुरुषों के इस प्रकार के खुले संबंध होते थे अक्सर उनके, जैसे भारतेंदु की मल्लिका थी, मल्लिका को उन्होंने छोड़ दिया, अमीर खान साहब की मुन्नीबाई थी जिन्होंने उनकी सरपरस्ती की, उनकी कला को तराशा, उन्होंने भी उनको सफल होने के बाद छोड़ दिया।
कितनी मैंने खोज की अपने स्तर पर कि मुन्नीबाई का क्या हुआ, मल्लिका का क्या हुआ, कोई मुझे नहीं बता पाया। उनके परिवार के 8वीं 9वीं पीढ़ी के लोग भी नहीं बता पाए कि वो कहाँ गई। कुछ दिन तक बच्चू बाबू करके एक रईस थे, उन्होंने कुछ रुपया टका दिया मल्लिका को, उसके बाद वो गायब हो गए। किसी ने कहा वो टिपिकल जो हिंदुस्तानी एक वो होता है कि वो हिमालय की कंदराओं में चली गई या वो गंगा में उन्होंने जल समाधि ले ली। तो ये जो मिथ मेकिंग है हिंदी में ये बहुत प्रबल है। उन्हें एक शब्द है किंवदंती, तो मेरे ख्याल में संस्कृत के उससे आया है। किंवदंती क्या कहते हो? गॉसिप। गॉसिप इज रैम्पेंट इन द लिटरेरी वर्ल्ड और हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो और अंत में उस समय की पत्रकारिता का भी आप जिक्र करना चाहिए, क्योंकि 1918 के बाद बड़ी तेज़ी से हिंदी में पत्रकारिता शुरू हुई और पहला दौर आया रिसालों का। न्यूज़पेपर्स तो काफ़ी बाद में आए, पहले तो रिसाले आए और चांद माधुरी ये सब मतवाला मतवाले की बहक ये सब। और ज़्यादातर आप देखिएगा निकले लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस से। तो ये तीन गढ़ बन गए जिसमें शाहजहांपुर, बरेली, बहेड़ी सब जगह से बुंदेलखंड सब जगह से महत्वाकांक्षी लेखक जाते थे। तो जैसे खुशबू पाके तितली चली जाती है, ऐसे ही भुवनेश्वर भी इलाहाबाद गए और लखनऊ गए और ये बनारस गए। बनारस इलाहाबाद लखनऊ के मिजाज में फ़र्क है। बनारस पंडितों का गढ़ रहा है, वहाँ संस्कृत निष्ठ भाषा है। इलाहाबाद जो है वो मिला जुला है, उसमें आधे अंग्रेज़ आधे हिंदुस्तानी हुए। इलाहाबाद यूपी की राजधानी रहा बहुत समय तक, तो इसलिए कैपिटल सिटी होने के नाते जो बड़ी बिल्डिंग्स जो 1857 के आसपास अंग्रेज़ों ने बनवाई सब इलाहाबाद में है। और वहाँ पर वकील और वकालत इस सब की वजह से और इंग्लिश डिपार्टमेंट की वजह से बहुत अधिक सिक्का और आतंक अंग्रेज़ी का रहा। और वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट के लोग निकले लेकिन सफल हुए वो बतौर संपादक, और आर्थिक रूप से भी संपन्न हुए जब वो सिर्फ लेखन नहीं नौकरी भी करते थे। तो ये भी चीज़ें हैं और इनका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि कोई भी लेखक एक धूल का कण नहीं होता जो हवा में उड़ता हुआ चलता है, एक युग से दूसरे में आ जाता है। उसके चारों तरफ का परिवेश क्या है, कौन छाप रहा है, क्यों छाप रहा है, किस लिए छाप रहा है, किस भाषा में छाप रहा है, किस भाषा में कितना पेमेंट हो रहा है, क्या वो पेमेंट इतना है कि वो सिर्फ लिख करके अपना गुजारा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी एक हिंदी लेखक के लेखन पर असर डालती हैं। उन्होंने भुवनेश्वर के लेखन पर भी असर डाला। हो सकता है भुवनेश्वर में जो विक्षिप्तता थी उसके बीच शुरू से रहे हों कुछ, लेकिन दिखे ना हों, क्योंकि छोटे शहरों में भी और इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस में मैंने बहुत देखा है कि अरे वो जीनियस है लेकिन क्या बताएं, कुछ वो खिसका हुआ है, दिमाग से खिसका हुआ है। तो हो सकता है कि उनका इलाज कराने की बजाय लोग उस खिसकने का या उनकी बहक का आनंद लेते हों या उनका इस्तेमाल करते हों निराला जैसे लोगों को निशाना बनाने के लिए। उनके कंधे पर रख के तोप चलाना आसान हो जाता है क्योंकि वो मुंह फट होते हैं, कुछ भी कह देते हैं, फिर बात को सब हा हा ठीठी करते हैं कि भाई हमने तो नहीं कहा। पर वो ऐसा जो मैंने मंथराओं का जिक्र किया वो हर युग में होती रही हिंदी में। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत धन्यवाद।